आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में आज अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर सरकार अपनी जमकर उपलब्धियों को गिना रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 9 सालों में कैसे सरकार ने बड़े फैसले लिए और लोगों के हित में कार्य किया। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से इसे नाकामी के 9 साल बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें मोदी सरकार के 9 साल का जिक्र किया गया है। कांग्रेस ने बेरोजगारी से लेकर महंगाई और बाकी तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि बदहाली के ये 9 साल पूरे हो गए। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से ट्वीट में लिखा गया कि आज मोदी को 9 साल पूरे हो गए हैं। ये नाकामी के 9 साल हैं, देश की बदहाली के 9 साल हैं। इन 9 वर्षों में लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही फैसले की मार झेलनी पड़ी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।